तो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है, अब हमारा ये जहाँ तक है लास्ट पार्ट हो सकता है, ठीक है, और लास्ट पार्ट ही होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं कितने स्पीड से हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे चार पार्ट निपट गए, हम पांचवें पार्ट पे हैं, और पांचवें पार्ट हमारा सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर का चल रहा है, जिसको निर्देशांक भी बोलते हैं, है ना। हमने उपभोक्ता जो कीमत सूचकांक था, ठीक है, हमने उसको लबा लबा निपटा दिया था। बस के कुछ क्वेश्चन करने रह गए हैं, वो कर लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर हम थोक पे आ जाएंगे, है ना, होलसेल वाले पे। तो हमारे देखो सामने मैंने आपके लिख दिया है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना या निर्माण बोल सकते हो। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना यानी निर्माण की विधियां क्या क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास पहला इसने लिखा हुआ है विधियों में, पहली विधि है सामूहिकृत। सामूहिकृत बोलो या सामूहिक व्यय विधि, दोनों नाम एक ही है। सामूहिकृत बोलो या सामूहिक बोलो वह विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहते हैं? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर दो, पारिवारिक बजट विधि हमारे पास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली बजट मेथड। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप सीपीआई निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सीपीआई निकाल सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं सामूहिकृत यानी जो सामूहिक व्यय विधि है, उसमें क्या निकलता है सीपीआई निकालने के लिए? सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन में सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है ना। लेस पेयर का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मैंने कहा था ना फॉर्मूले सेम होने वाले, कोई इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे? लेस पेयर का फॉर्मूला था ना, जहां तक ध्यान है, तो उसी को लगा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसने बोला अगर मान लो कि पेपर में एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाए पूछने के लिए, अरे इस तरह से डेटा दिया तो कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए मैंने जानबूझ के इस तरह से भी लिखा हुआ है कि सीपीआई को इस तरह से बोलते हैं चालू, यानी चालू को प्रचलित भी बोलते हैं। प्रचलित मतलब जो चल रहा है। तो चालू वर्ष का सामूहिक व्यय, तो चालू वर्ष का सामूहिक व्यय ये रहा, ठीक है। और आधार वर्ष का सामूहिक व्यय, आधार वर्ष ये रहा। क्योंकि देखो ना, चालू वर्ष क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कीमत हमने चालू वर्ष की ली है और क्वांटिटी तो आधार वर्ष की है, तो क्वांटिटी हमने सेम मानी है दोनों में, आधार आधार वर्ष। तो उसके हिसाब से आज की कीमत पर अगर लगाऊंगा तो वो चालू वर्ष की कीमत पर हो जाएगा, और अगर बेस ईयर की कीमत पर लगाऊंगा तो वो आधार वर्ष की कीमत मतलब जो होती है उस पर लगाऊंगा तो आधार वर्ष का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना चालू वर्ष का सामूहिक व्यय यानी जो टोटल खर्चा जो हो रहा है वो चालू वर्ष में, मतलब करंट ईयर में जो खर्चा हो रहा है वो, अपॉन में जो प्रीवियस ईयर में यानी जो आधार वर्ष था हमारा, बेस ईयर था, उसमें जो खर्चा हो रहा है, इंटू में 100। तो इसको यही बोलते हैं। समझ में आ गया? नोट डाउन करें जरा। साथ में नोट डाउन करिए आप, ठीक है ना। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्लियर हो जाता है कि जो हमें सामूहिक व्यय विधि लगानी है, हमें इसमें हमें कौन सा लगाना है? लेस पेयर का ही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हो गया? अब बात यह है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आपका लेस पेयर लग नहीं रहा होता, अब वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको क्यू जीरो नहीं गिवन होता, क्यू वन गिवन होता है। तो ऐसे केस में क्या करें जब आपको क्यू वन गिवन होगा, क्यू जीरो होगा ही नहीं और क्यू जीरो निकल भी नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या करें? फिर हम लेस पेयर की जगह पास्चे लगा देंगे। क्या होगा? ज्यादा सादा, पास्चे का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा पी वन क्यू वन और सिग्मा पी जीरो क्यू वन, क्योंकि इसने करंट ईयर की क्वांटिटी पे काम किया था, इसने बेस ईयर की क्वांटिटी पे काम किया था, बताया था मैंने। तो अगर इनकेस क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें क्यू जीरो है ही नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटी आपके पास है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या है, पास्चे का फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, उससे सीपीआई निकाल लेना। बट पहली प्रायोरिटी जो आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, पहला जो आप जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, किसी को प्राथमिकता अगर दोगे तो वो इस फॉर्मूले को प्राथमिकता देनी है, जिसमें पी वन क्यू जीरो है और पी जीरो क्यू जीरो, यानी जो हमारा जो निकलेगा वो बेस ईयर की क्वांटिटी पे निकलेगा, उससे सीपीआई निकालना आपने। समझ में आ गया? तो आपका ये फॉर्मूला ये रहा बेटा। उसके बाद फैमिली बजट मेथड, ये फैमिली बजट मेथड में ये आपका वो याद है ना भार वाला, वो फॉर्मूला लग गया सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू हो गया, जहां पे डब्ल्यू मतलब भार होता है और भार निकालने का तरीका ये भी होता है। अगर भार क्वेश्चन में नहीं गिवन, अगर आपको डब्ल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप पी जीरो क्यू जीरो को मल्टीप्लाई करके भी डब्ल्यू निकाल सकते हो। बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, भार निकल जाएगा। समझ में आ गया? मैंने बताया था कि भार का एक फॉर्मूला बताऊंगा, भार का फॉर्मूला ये रहा। समझ में आ गया? सीपीआई को अगर नॉर्मल अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मूल्य अनुपातों तथा, मूल्य अनुपात कौन सा होता है? इसको आर कहते हैं। आर को मूल्य अनुपात या कीमत अनुपात कहते हैं, मूल्य अनुपात या कीमत अनुपात कहते हैं। तो मूल्य अनुपात तथा भारो, भार मतलब डब्ल्यू, तो आर और डब्ल्यू के गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और फिर उसका क्या कर दो, जोड़ कर दो, जोड़ मतलब सिग्मा कर दो। तो आर और डब्ल्यू के गुणनफल का जोड़, जोड़ मतलब सिग्मा, समेशन, है ना, अपॉन में सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं, भार का जोड़। तो उसको हिंदी में भी लिख दिया।
समझ में आ गया। ठीक है, अब अपने ना थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करना हमें, ठीक है ना। अगर देखो, अगर वो रिलेटिव प्राइस बोलता है, ठीक है, मैं इसको जैसे ये तो आपने लिख दिया होगा ना, इसको लिख लो, ठीक है, बस फॉर्मूले थोड़े से हमें ध्यान रखने। सपोज करो कि वो रिलेटिव प्राइस बोलता है, रिलेटिव प्राइस जो हम आर निकालते हैं, है ना, कैसे निकलता है पता है हमें, P1/P0 × 100, हाँ ना, हो गया खत्म। बट अगर मान लो पेपर में रिलेटिव क्वांटिटी पूछ ले, अभी तक आया कहीं पे नहीं आया ना, बट अगर मान लो रिलेटिव क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब निकलेगा आ रही, बट किस फॉर्म में निकलेगा, ये क्वांटिटी फॉर्म में निकल रहा है, ये प्राइस की फॉर्म में निकल रहा है। अगर रिलेटिव क्वांटिटी बोलेगा तो मैं बोलूंगा Q1/Q0 × 100, रिलेटिव क्वांटिटी भी निकाल लिया जाती है और वो ऐसे निकलती है, वो फॉर्मूला वही है। रिलेटिव प्राइस बोलेगा यानी कीमत या मूल्य बोलेगा तो P1/P0 × 100, और अगर क्वांटिटी बोलता तो Q1/Q0 × 100, समझ में आ रही है ना। और बच्चों से अगर आपको थोड़ा अलग बनना है ना तो ध्यान दो, एक एक चीज पे ध्यान दो, ठीक है। चलो नोट डाउन करिए आप जो जो करना आपको, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए अपने सामने, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे वस्तु आपको ABCDEFGH कुछ भी दिया जा सकता है, गेहूं चावल बाजरा कुछ भी दालें वाले जो मर्जी लिखे, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी वस्तु कुछ भी दे सकता है, मैंने ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मात्रा आपको दी है आधार वर्ष की, आधार वर्ष की मात्रा को, यानी मात्रा मतलब क्यू यानी क्वांटिटी, और आधार वर्ष मतलब जीरो, तो क्यू जीरो आपको गिवन है। उसके बाद आधार वर्ष की कीमत, यानी आधार वर्ष मतलब जीरो है ना, और कीमत मतलब पी, तो पी जीरो आपको दिया हुआ है। और चालू वर्ष की कीमत, यानी जो प्रचलित जो आपका जो वर्ष है उसकी जो कीमत दी है, तो कीमत मतलब पी और प्रचलित वर्ष को हम वन मानते हैं। तो हमें इस तरह से का डेटा दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, वही आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, CPI निकालना है, और किससे निकालना है मैं आपको मेथड बताया। तो पहला मेथड जो हमने भी लिखा था कौन सा, सामूहिक जो क्या नाम है उसका, सामूहिक व्यय विधि है, उससे निकालना है। क्या निकालना, सामूहिक व्यय विधि निकालनी है, ठीक है ना। तो सामूहिक व्यय विधि से मैं निकालने जा रहा हूं, सामूहिक व्यय विधि से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं पहले, और उसके बाद फैमिली बजट से भी करूंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा सिग्मा P1Q0/σP0Q0, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना रहा हूं, आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए फिर दोबारा इसका सॉल्यूशन करना, आपको बता रखा मैंने, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मुझे P1Q0 चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, P1 है Q0 है दोनों है, तो P1Q0 निकाल लेते हैं, कोई तबड़ा कोई इशू है नहीं, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ है ना। तो P1Q0, तो P1 ये रहा, Q0 ये रहा, तो 100 × 5 500, 250, 25, 90 कितना होता है, 15 से कितना होता है, 90 ही होता है क्या, और 8 × 16 160, 320 और 200, ये मेरा निकल गया P1Q0, ठीक है ना। आप भी निकाल लीजिए P1Q0, जो निकला मेरा क्या 500, 250, 25, 90, 90, 160, 320 और 200, बिल्कुल सही आ रहा है। किसका जो टोटल आ रहा है, जो सिग्मा P1Q0 आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, वो आ रहा है आपका, इसका टोटल मैं बताया था जो टोटलिंग हो रही है यहाँ पे 1635 हो रही है, 1635। प्लीज एक बार आप भी टोटलिंग कर लीजिए, कई बार बुकों में टोटलिंग या जो डिवाइड जो होता है ना गलत होता है, ठीक है ना। तो समझ में तो आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। उसका दूसरा क्या चाहिए आपको, P0Q0 ये रहे, तो 8 × 5 = 40, 400, 200, 20, 15 × 5 = 75, 60, 20 × 5 = 100, 240 और 100। सिग्मा P0Q0 ये भी निकल गया मेरा कितना, इसका टोटल आ रहा है 1195 1195 आ रहा है, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करिए, इतना 500, 400, 200, 20, 75, 60, 100, चलिए बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ उसकी वैल्यू कितना है, P1Q0 कितना आया था 1635, और ये कितना आया था 1195 × 100। आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से, मैं यहीं से आंसर लिख रहा हूँ, और डिवाइड प्लीज कर लेना, 136.82 आ रहा है, 136.82 आ रहा मेरे पास जो आंसर है, ठीक है, डिवाइड करके। तो डिवाइड वाइड काम करना, जो डिवाइड का जो काम करना है, मल्टीप्लाई जो करना है, वो सब आपका काम है, ठीक है ना। तो ये आप कर लीजिए, अगर यही आंसर आ रहा तो ठीक है, वैसे बुक से उठाया मैंने इस आंसर को, ठीक है ना। तो चेक कर लेना एक बार डिवाइड करके, समझ में आ गया ना, खाली फॉर्मूला पुट किया है और ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाया, समझ में आ गया। बट अगर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे Q0 नहीं होता, Q1 होता, सपोज करो
Q1 होता तो भाई Q1 होता तो फिर तो कैसे लगता है फॉर्मूला, फिर ये लगता है नहीं, तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता, यहाँ पे P1 Q1 P0 Q1 यानी पास्चे वाला फॉर्मूला लगाता मैं, और पास्चे वाले फॉर्मूले के हिसाब से फिर निकाल लेता कौन सी दिक्कत है ना। तो पहली प्रायोरिटी इसी को देनी, तो ये निकल रहा था इसी से निकाल लिया। अब दूसरा जो निकालना है इसमें, दूसरा जो मेथड होता है वो होता हमारा फैमिली यानी पारिवारिक, पारिवारिक बजट विधि, ये हमारे पास दूसरा मेथड ये है ना। इस पे सीपीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आर डब्लू अपॉन में सिग्मा डब्लू, यही फॉर्मूला है ना। अब ध्यान से देखते हैं भाई, पहले डब्लू देखो, डब्लू कहीं दिया है नहीं दिया, तो डब्लू निकालने का तरीका मैंने बताया था, डब्लू बराबर होता है P0Q0 है ना, और P0 निकल तो रखा है P0Q0 यही है, तो यही हमारा डब्लू हो जाएगा ना, यही लिख देता हूँ, क्यों दोबारा निकालू मैं इसको, तो डब्लू तो ये रहा भाई मेरा मिल गया, कितना डब्लू 1195 बताओ, P0Q0 से ही डब्लू निकलता अगर ना दिया हो, वो ये रहा हमारा। अब से मुझे R और W, तो पहले R निकाल लेता हूँ, R का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, यही होता है। चलो निकालना स्टार्ट करिए, आप P1 आपको ये गिवन है, P0 आपको ये गिवन है, निकालिए आप, ठीक है ना। चलो सबसे पहले कि P1 है 100 डिवाइड बाय P0 80 इंटू में 100, ठीक है, इसे आप करना खुद ही सॉल्व करो काट पीट के, मैं यहीं से लिख रहा हूँ 125 आएगा पहले का, फिर ऐसी 250 डिवाइड बाय 200 इंटू में 100, ठीक है ना, तो ये भी 125 आ रहा है, और इसी तरह से आप सारे सॉल्व करते चले जाओगे, क्योंकि मैंने आपको करा दिया है तो मैं मानता हूँ आपको ये आ गया है समझ में, ठीक है ना। तो ऐसे करते चले जाओगे तो अगला भी 125 ही आ रहा है, बड़े बाबरे सब एक ही आ रहेगा, फिर 120 आ रहा है, फिर 150 आ रहा है, फिर 160 आ रहा है, फिर 133.333 समथिंग आ रहा है, तो डेसिमल के दो डिजिट तक आप ले लेना, ठीक है ना। उसके अलावा 200 आ रहा है, लास्ट आ गया, आर निकल गया, बट आर तो चाहिए नहीं, आर डब्ल्यू चाहिए आपको, वो भी सिग्मा करा हुआ, तो आर डब्ल्यू, आर ये रहा डब्ल्यू ये रहा, दोनों के मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये कह रहा 50,000 आ रहा, प्लीज आप खुद से कर लेना एक बार, ठीक है, बुक में गलत हो सकता है, कोई बुक भी इंसानों ने बनाई है, इसमें गलतियां होती है, याद रखना, ठीक है ना। 2500 9000 16000 31992 20000 और इसका सिग्मा आर डब्ल्यू आ रहा है 163492 मैंने यहां पुट कर दिया 163492 और इसको डिवाइड करके जो आ रहा है आंसर वो 136.82, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई, क्वेश्चन सेम है, अब मेथड चेंज कर लोगे तो आंसर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, सेम ही रहेगा इसमें तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ठीक है, तो हमारे पहला क्वेश्चन का खत्म होता है। हम देखो क्वेश्चन काफी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में बस आ रहा होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा इसका, अब आगे देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की खासियत देखो क्या है, कह रहा है निम्न आंकड़ों से 2004 को आधारवर्ष मानकर, यानी आपको 2004 को बेस ईयर मानना है, से 2012 का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक निकालिए, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक निकालिए। मैंने कहा ठीक है, जीवन निर्वाह बोलो चाहे भोक्ता बोलो, निकालना तो CPI है ना। अब CPI निकालने के दो तरीके, पहला वो लेसपेयर वाला, लेसपेयर ना लगे तो साला पास्चे लग जाता, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, समूहीकृत या सामूहिक बोलते हैं, वह विधि, तो वो यहाँ पे लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे भार दिए हुए, भार वाला दूसरा होता है पारिवारिक बजट जो विधि थी, ठीक है ना, फैमिली बजट जो मेथड है वो लगेगा, क्योंकि भार दिया हुआ, भार उसी फॉर्मूले में था हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो पारिवारिक वाला जो फॉर्मूला लग रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला बनता हमारा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। ध्यान से देखें तो भार हमें सीधे सीधे गिवन है, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं इसी को सॉल्यूशन बना देता हूं, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू निकाल दिया, 32 और 10 42 कितने होते हैं, 42 पहले होते हैं 84 है ना, 6 हो गए 90 और 10 हो गया 100, मेरे पास ये 100 आ रहा है डब्ल्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है टोटलिंग। अब हमारे पास ये समुद्र भोजन किराया वस्त्र ईंधन तथा प्रकाश और विविध, जो मर्जी नाम लिखे, मुझे नाम से मतलब नहीं, जो भी हो विविध प्रकार के या जो भी है ना।
तो इन नामों से कोई मतलब, यहाँ एबीसी लिखे, गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली लिखे, है ना, राक्षस देवता जो मर्जी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, हमें नाम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान देखना हमें, अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ये क्या चीज है इसको समझते हैं, क्योंकि हमें चाहिए आर डब्ल्यू, है ना। अब आर निकालने के लिए पी वन अपॉन में पी जीरो इंटू हंड्रेड चाहिए होता है। अब ध्यान से पढ़ते देखो क्या लिखा है, वर्ष 2012 के लिए समूह सूचकांक, इसका मतलब सूचकांक निकाल के दे रखा है, किस बेसिस पे दिया हुआ है, 2004 पर आधारित, तो 2004 बेस ईयर होगा, तो 2004 पे आधारित इन्होंने 2012 का समूह सूचकांक निकाला हुआ, इसका मतलब ये कीमत अनुपात ही है, ये आर ही है आपको गिवन। ध्यान से देखिए, मेरी टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया इसको भी, ये आर है। कैसे पता चला, 2012 के लिए समूह सूचकांक, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि 2004 पे आधारित है, क्योंकि फॉर्मुला भी क्या होता है हमारा, फॉर्मुला भी तो होता है पी वन अपॉन में पी जीरो इंटू हंड्रेड, तो ये बेस ईयर पे तो आधारित होता है, तो ये आर गिवन है, ठीक है ना। तो आर डब्ल्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके, तो 122 इंटू वो कितना आ रहा है, 3904, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना इसको, ठीक है, 140 इंटू 10 1400, ये आ गया तुम्हारा 1120, ये कितना आएगा 696, और ये आ रहा है आपका करके 4452, इन सबको जोड़ा मैंने, सिग्मा आर डब्ल्यू निकल जाना है कितना, 11572 क्यों कराया इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए तो आपको आता हो, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया, आप इसकी वैल्यू रख देंगे 11572 डिवाइड बाय 100, तो दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, कि दो जीरो है नीचे, तो 115.72 इसका आंसर आ जाएगा, 115.72, ठीक है ना। एक बार आप भी चेक कर लेना जो कैलकुलेशन है वो, इसे उतार लो, समझ में आ गया ना, फटाफट से उतारिए इसे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी कॉपी या जो भी, सॉरी अपनी बुक से करने की कोशिश करें इसके। तो देखिए, अब थोक कीमत सूचकांक, ठीक है, थोक कीमत सूचकांक की बात करते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। अभी आपने CPI निकाला, अब WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये वे सूचकांक है जो एक समय अवधि में वस्तुओं के थोक मूल्यों में, वस्तुओं के थोक मूल्य बोलो या थोक कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। तो थोक कीमत सूचकांक वे सूचकांक होते हैं जो वस्तुओं की जो थोक कीमत होती है, यानी होलसेल जो प्राइस होती है, उसमें होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। तो कोई बड़ी बात है नहीं, जो जो भोक्ता वाला था वो रिटेल प्राइस की बात करता था, ये थोक प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए वस्तुओं को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कितने में किया जाता है, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण के लिए वस्तुओं को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि निम्न है। पहला है प्राथमिक, फिर है ऊर्जा वाले वस्तुएं, ठीक है ना, और फिर निर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, तो निर्मित, ठीक है ना। ये जो ना भार दिए जी, मेरे पास एक बुक है उसमें भार लिखे हुए हैं, तो उसको आप नॉलेज पर्पज के लिए रख सकते हो, अगर भारों में अगर कोई चेंज वेंज हुआ है तो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या नाम है, यही होने चाहिए, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो प्राथमिक में जो है, प्राथमिक में जो है ना, जो मदे बोलो या फिर वस्तुओं की संख्या बोलो, मदो बोलो या वस्तुओं की संख्या बोलो, तो कितनी है टोटल, 98 है प्राथमिक के अंदर, 98 है, ठीक है ना। जिसमें जो आपके क्या है, वही गेहूं, चावल, ठीक है, कपास, गन्ना, खनिज, ठीक है, ये सब चीजें रखी हुई है, यानी खाने वाली चीजें भी और जो खाने वाले नहीं है वो भी चीजें कुछ इसमें रखी हुई है। तो टोटल जो है 98 चीजों को उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। फिर ऊर्जा वाले, ऊर्जा में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सबको मिला मुला करके 19 चीजों को, यानी 19 वस्तुओं को, 19 मदों को उसमें शामिल किया गया है। और निर्मित मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड होती है, ठीक है ना, तो इस टाइप जैसे खाद हो गया, मशीनरी हो गया, कपड़ा हो गया, परिवहन जो ना होते हैं, कागज वागज हो गए, इस टाइप की चीजों को मिलाकर 318 जो है वो मैन्युफैक्चर्ड के अंदर रखे हुए हैं। तो इस टाइप से क्या नाम है, गुड्स को बांटा गया, तो तीन तरह के गुड्स हो गए, प्राथमिक, ऊर्जा वाले, ठीक है ना, यानी प्राइमरी गुड्स, एनर्जी गुड्स और आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। अगर हम बात करें मदों की संख्या, तो पहले में 98 वस्तुओं को रखा गया, दूसरे में 19 वस्तुओं यानी 19 मदों को रखा गया, तीसरे में 318 क्या है वस्तुओं को रखा गया, ठीक है ना। तो मदों ही बोलो या वस्तुएं बोलो, ठीक है, वैसे मदे यहाँ पे बोलना सही लगता है, क्योंकि ऊर्जा को वस्तुओं में थोड़े ना बोलेंगे, ठीक है ना, बाकी को वस्तुओं में बोल सकते हैं। आगे तो भार की बात करें, तो भार लगभग लगभग जो मेरे पास है वो यही डेटा है, लगभग की फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में 22.02 जो है वो इनको दिया गया भार, इसको दिया हुआ 14.23, इसको दिया हुआ 63.75, टोटल मिला ले 100% जो गया भार, ठीक है ना। तो ये आपको भार दिया गया जो कि आप नॉलेज पर्पज के लिए याद रख सकते हो, ठीक है ना। जो बुक में रखे थे मैंने सीधा एजिटिस उतार लिए, मैंने चेक नहीं किए करंट में ये है या नहीं है,
पर जहाँ तक यही होंगे तो आप रख सकते हो कि दूसरी बुक में भी यही लिखे हुए, ठीक है, दूसरी बुक में भी यही सेम कॉपी लिखा हुआ है दोनों बुकों में। चलो आप इसे नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसमें लिखा है थोक कीमत जो सूचकांक होता है उसके क्या उपयोग है या उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। तो इसके क्या है, हम थोक कीमत सूचकांक क्यों निकालते हैं, देखिए फटाफट से इसका आंसर देखिए। नंबर वन, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मांग तथा पूर्ति संबंधी अनुमान लगाने में सहायक, यानी ये जो थोक कीमत सूचकांक है ये मांग और पूर्ति, ठीक है ना, मांग और पूर्ति जो संबंधी जो अनुमान होते हैं उसे लगाने में क्या है, सहायक है। पॉइंट नंबर टू, मौद्रिक मूल्य तथा वास्तविक मूल्य का निर्धारण करने में सहायक है और उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करने में सहायक है, यानी क्या लिखा है, मौद्रिक मूल्य तथा वास्तविक मूल्य का निर्धारण करके राष्ट्रीय आय की गणना करने में सहायक है। तो नंबर वन क्या था, मांग और पूर्ति संबंधी अनुमान लगाने में सहायक। नंबर दो, मौद्रिक मूल्य और वास्तविक मूल्य का निर्धारण करके राष्ट्रीय आय की गणना करने में सहायक। ये 12th का कॉन्सेप्ट आएगा जब हम राष्ट्रीय पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद मौद्रिक मूल्य होता क्या है, तो उसने बोला मौद्रिक मूल्य वो मूल्य होता है जिनको क्या, चालू वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है, यानी अगर आप चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकाल रहे हो, चालू मतलब प्रचलित जो चल रही है उस पर अगर राष्ट्रीय आय निकालते हो तो उसे बोलते हैं मौद्रिक मूल्य पर आप राष्ट्रीय आय निकालना। और वास्तविक मूल्य मतलब होता है आधार वर्ष, यानी स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमतों पर या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालना। तो अगर आप स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालते हो तो वो वास्तविक मूल्य पर राष्ट्रीय आय होती है, और अगर आप चालू कीमतों यानी जो आज की जो करंट रेट है उस पर जो राष्ट्रीय आय निकालते हो उसे बोलते हैं मौद्रिक मूल्य पर राष्ट्रीय आय। यानी अगर मैं आज 2022 चल रहा है, 2022 की कीमतों पर मान के चलो 2022 चल रहा है, 2022 की कीमतों पर अगर राष्ट्रीय आय निकालता हूं तो वो चालू वर्ष की कीमतों पे माना जाएगा। अगर आज 2023 चल रहा है, 2023 की कीमतों पे अगर राष्ट्रीय निकालता हूं तो वो चालू कीमतों में माना जाएगा। मान लो ये साल 2020 चल रहा है, तो 2020 की अगर कीमतों पर अगर मैं राष्ट्रीय निकालता हूं तो वो चालू वर्ष की कीमतों में माना जाएगा, समझ में आ गया। बट अगर मान लो जैसा हमारा 2023 चल रहा है, बट अगर मैं 2023 की जो कैलकुलेशन है वो 2014 के बेस पे कर रहा हूं मैं, तो आज 2023 चल रहा है बट कैलकुलेशन में आधार वर्ष क्या ले रहा हूं मैं, 2014, तो उसको बोलते हैं स्थिर कीमतों पर। यानी मैं 2014 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि शायद उस टाइम पे कीमतें थोड़ी स्थिर रही हो, है ना। कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है, बाढ़ आ गई उससे हो सकता है, कोरोना आ गया था कीमतें बढ़ गई थी, तो वो उन चीज़ों पर डेटा निकालना गलत होता है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए हुई है, हमेशा थोड़ी ना कोरोना आएगा। तो हमेशा स्थिर कीमतों पर निकालना ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा मौद्रिक मूल्य हमेशा ना चालू वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है और वास्तविक मूल्य आधार यानी स्थिर वर्ष की कीमतों पर निकाला जाता है, तो राष्ट्रीय की गणना करने में सहायक हो गया। उसके अलावा मुद्रा स्फीति की दर यानी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन कीमतों को बढ़ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी जो मुद्रास्फीति की दर है उसको ज्ञात करने में सहायक है। अब इसने बोला मुद्रास्फीति की दर निकलती कैसे, मैंने कहा देखो भाई चालू वर्ष का WPI यानी जो थोक कीमत सूचकांक है वो चालू वर्ष का ले लो, चालू वर्ष मतलब जो अभी का है, अपॉन में आधार वर्ष का थोक कीमत सूचकांक इंटू 100, तो इसको परसेंटेज में बदल दो। सपोज करो परसेंटेज करके 110 आ गया, 110 में से फिर 100 हटा दो, 100 तो बेस होता है ना, 100 हटा दो तो बचा कितना 10, तो उसका मतलब 10 से बड़ा है, तो उसका मतलब 10% इसका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है 10% है। अगर इसको कर कुरा करके मान लो 102 आता है, तो 102 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 102% आएगा ना परसेंट, तो 100% है, तो 102% में से 100% जाएगा तो कितना बचेगा, 2% बचेगा, 102 में से 100 गया तो 2% से इन्फ्लेशन आया, ऐसे करते हैं। तो पहले आपने ये चालू वर्ष अपॉन में आधार वर्ष, चालू को प्रचलित बोलते हैं, आधार वर्ष तो आपको पता है पहले का वर्ष, पूर्व वर्ष जो होते हैं, इसको इंटू 100 करके करा फिर माइनस 100 कर देना, तो पहला फॉर्मूला तो ये है। आप चाहे तो ये लिख सकते हो चालू वर्ष का WPI माइनस आधार वर्ष का WPI, चालू में से आधार घटा दो अपॉन में आधार इंटू 100, यानी नया माइनस पुराना अपॉन में पुराना इंटू 100। आप बोलोगे पुराना नीचे क्यों लिखा, भाई बेस के हिसाब से तो फ्यूचर का अनुमान लगाओगे ना कि करंट के हिसाब से लगाओगे, भाई बेस के हिसाब से तो बेस है तो बेस ही तो नीचे आएगा, आधार मतलब बेस, बेस हमेशा नीचे आता है, तो चालू मतलब आज में से पुराना घटाना अपॉन में पुराना इंटू 100, और अगर सिंपल लिखना है तो A2 - A1 यानी नया वाला माइनस पुराना वाला अपॉन में पुराना वाला इंटू 100। सपोज करो मैं चलो उसको करके दिखाता हूँ, ठीक है, अभी देखो जगह है नीचे, पहले देखो वीडियो में देखने दो मुझे, हाँ है ठीक है। सपोज करो ठीक है ना, पहले आपका मान लो WPI जो था मान लो 1 आपको दिया हुआ था, सपोज करो 200, फिर WPI 2 मान लो आपको दिया है 250, तो इन्फ्लेशन बताओ, तो मैंने कहा इन्फ्लेशन का रेट जो निकलेगा ना, इन्फ्लेशन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकलेगा A2 - A1 बोला उसने, भाई अब A2 होता है नया वाला, तो मान लो A2 ये है आपका, A1 आपका ये हो गया, तो 250 - 200 अपॉन में पुराना वाला, पुराना 200 की बेस के हिसाब से लगाते हैं हिसाब, इंटू 100 कितना आ गया,
50 बटे में 200 इंटू में 100 ये कट गया, ठीक है, कितना आ गया है, दो मीनि 25%, कितना आ गया 25% आ गया। तो 25% जो है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये 25% से बढ़ गया, इसका मतलब समझ में आ गया ना। तो इन्फ्लेशन ऐसे निकालते हैं। और कोई एग्जांपल चाहिए तो और एग्जांपल देख लो, मान लो पहले रेट था, मान लो A1 आपको दिया था, सपोज करो पहले था मान लो 500, फिर A2 हो गया अब आपका मान लो जो अगले नया वाला जो है आपका वो है मान लो आपका 800, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकलेगा ROI, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ROI मतलब ना पेपर में आपको पूरा लिखना है, क्योंकि ROI का मतलब एक्चुअल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। तो आप पूरा लिखना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति की दर हिंदी में, ठीक है, मैं तो खाली समझा रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 अपॉन में A1, हमेशा पहले वाला पुराना वाला नीचे आएगा क्योंकि इसके बेस पे लगाया हमने, ठीक है, इंटू 100, कितना आ गया 300 डिवाइड बाय 500 इंटू में 100, ये कट गया 5×30 आ गया, 60% आ रहा है। कैलकुलेशन आप भी देख लेना एक बार, तो 60% आ रहा है, आप चाहे तो करके देख लो, इस पे 60% मारो जरा, तो 500 का 60% कितना आएगा 300, तो 500 प्लस 300 कितना हो गया 800, है ना। तो ऐसे इन्फ्लेशन निकलता है, समझ में आ गया। फटाफट से आपने जो नोट डाउन कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फाइनल देखिए अभी, ठीक है ना, सिर्फ यही रह गया बस। अब देखिए, हमने उपभोक्ता कीमत सूचकांक किया, जिसको हमने रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले, फिर होलसेल यानी थोक वाला निकाला, अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। बट इसको करने से पहले अपने कोर्स में देखिए क्या ये आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत जगह से डिलेटेड है, बहुत जगह से डिलेटेड है, दोबारा बोल रहा हूँ। सिर्फ वही बच्चे इसको करे जिसके इसमें ये आ रहा है, बाकी इसको छोड़ दीजिए, आपका इंडेक्स वैसे खत्म हो चुका है, बाकियों का इंडेक्स नंबर और चैप्टर खत्म हो चुका है कब का, प्लीज़ या ये इस बात को नोट करें, ठीक है ना। ये सिर्फ वही बच्चे करें जिसमें ये औद्योगिक वाला आ रहा हो बस, ठीक है ना। मैं करा देता हूँ छोटा सा, इतना सा टॉपिक है, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ है भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, ना मैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कराने वाला हूँ, डन। क्योंकि हमें क्वेश्चन वही फॉर्मूला रिपीट एक जैसे ही हो रहे, क्या ये फॉर्मूला हमें लगाना नहीं आता, क्या आता है ना लगाना, तो फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। देखो होता क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, किसका, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, यह वह सूचकांक है जो एक देश में किसी आधार वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में, देखो आधार वर्ष से तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं किसको करते हैं, चालू वर्ष को करते हैं, तो चालू वर्ष का कंपैरिजन आधार वर्ष के बेस पे लगाया जाता है, समझ में आ गया। तो उसने उसके बेसिस पे लगाया जाता है, तो उसने बोला यह वह सूचकांक है जो एक देश में किसी आधार वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में जो औद्योगिक उत्पादन हुआ है उसमें क्या परिवर्तन आया, यानी वो बढ़ा है या वो कम आया, उसका माप करता है। तो जो हमारा ये जो आया है सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये बताता है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन मतलब वृद्धि कमी होता है, हर जगह यही बोलना हमने, जहां जहां मैंने परिवर्तन लिखवाया चैप्टर में, उसका मतलब वृद्धि कमी कुछ भी हो सकता है। किसके हिसाब से भाई, चालू वर्ष में बेस ईयर के हिसाब से बताओ कि क्या, पिछले सालों के हिसाब से बताओ कि क्या वृद्धि हुई है या क्या कमी हुई है, समझ में आ गया। तो मतलब यह वह सूचकांक है जो एक देश में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में जो औद्योगिक उत्पादन हुआ है उसमें वृद्धि आई है, उसमें जो परिवर्तन आया है या उसमें जो कमी आई है, जो भी बोल सकते हो, वृद्धि कमी का माप करता है। औद्योगिक उत्पादन के निर्माण की रचना, औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक होता है उसके निर्माण, उसका निर्माण बोलो या सूचकांक की रचना बोलो, एक ही बात है। तो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की रचना कैसे की जाती है, तो चार चीजों पर डिपेंड करता है ये, और फिर ये चैप्टर खत्म। पहला है कि उद्योगों का वर्गीकरण, इसने पहले क्या करा, उद्योगों को तीन तरह से वर्गीकृत कर दिया। पहला खनन यानी माइनिंग, दूसरा विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड यानी बिजली, ठीक है। तो खनन, विनिर्माण और बिजली, ये तीन तरह में क्या कर दिया, इसने उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया पहले। तो नंबर दो, फिर औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। दूसरा काम आपका क्या है कि आपको औद्योगिक उत्पादन इससे रिलेटेड आपको आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी तो इंडेक्स नंबर बनाओगे ना। तो अब वो आप आंकड़े मासिक ला सकते हो यानी मंथली ला सकते हो, ये मंथली हो गया। आप त्रैमासिक, तीन महीने में एक बार, आप तीन महीने में एक बार को क्या बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं, तो क्वार्टरली ला सकते हो, या फिर आप वार्षिक यानी ईयरली ला सकते हो। क्या ला सकते हो, ईयरली। तो उसने बोला डेटा आप कैसे भी ला सकते हो, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, हाफ ईयरली, है ना, हाफ ईयरली आधार से जो साल का था उस हिसाब से, छह महीने के हिसाब से वो ला सकते हो। तो डेटा आपको एकत्रित करना पड़ेगा औद्योगिक उत्पादन से संबंधित, समझ में आ गया। दो चीज, पहले उद्योगों का वर्गीकरण, फिर डेटा को इकट्ठा करना जो कि औद्योगिक उत्पादन से संबंधित हो। नंबर तीन, फिर भार देना, वर्तमान में जो भार चल रहा है, ये भी मैंने बुक से उठाया, डेटा देख, वर्तमान में जो भार है, खनन को दिया हुआ 10.47,
विनिर्माण को दिया हुआ 79.36 यानी 79.36 और बिजली को दिया हुआ 10.17 10.17 दिया हुआ टोटल मिला के देखेंगे तो 100% ये बाहर अलॉट किए गए इनको। क्लियर हो गया। सही सूत्र का प्रयोग, आपको सही सूत्र का प्रयोग भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सूत्र क्या है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालने के लिए, सिग्मा Q1 अपॉन में Q0 इंटू में W इंटू फिर इंटू में 100 अपॉन में W। अब यार ये फॉर्मूला बड़ा गंदा सा लिखा है इन्होंने, फिर भी याद करना पड़ेगा। इसको मैं RW अपॉन में W बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे R का मतलब क्या होता है Q1 अपॉन में Q0 इंटू 100। तो देखो ये फॉर्मूला मुझे याद है, बट मैं R निकालने के लिए पता क्या करता था, P1 अपॉन में P0 इंटू 100, वो कीमत के बेस में निकलता था। और ये उत्पादन है, ये क्वांटिटी के बेस पे निकलेगा, ये पूरा ही कॉन्सेप्ट क्वांटिटी बेस्ड है। तो उसमें यानी Q1 अपॉन में Q0 इंटू 100 आएगा। मैंने कहा था रिलेटिव क्वांटिटी के ऊपर भी पूछ सकता है, तो Q1 अपॉन में Q0 इंटू 100 ये निकलता उसके बेस पे। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जरा इसी फॉर्मूले पे जरा काम करते हैं। इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस फॉर्मूले को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, सिग्मा क्यों ना मैं इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं Q1 हो तो मल्टीप्लाई रहा है ना, तो यहां कर देते हैं मल्टीप्लाई, लो W को भारी रहने दो अपॉन में सिग्मा W। अब बताओ ये पोर्शन क्या बोलता है, ये R ही तो होता है, कीमत के केस में इसको मूल्य अनुपात बोलते हैं या कीमत अनुपात कहते हैं, और क्वांटिटी केस में ये आपका रिलेटिव क्वांटिटी की बात कर रहा है, यानी मात्रा की बात कर रहा है, मात्रा के अनुपात की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो चालू वर्ष की जो मात्रा है उसको आधार वर्ष की मात्रा के हिसाब से क्या उसका अनुपात निकाल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपने निकाला तो उसको मैंने आर बोल दिया इस पोर्शन को, डब्ल्यू का डब्ल्यू, सिग्मा ऐसे रहा सिग्मा डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं। और डब्ल्यू आपको ना दे तो आपको पता ही है P0 Q0 वैसे रहते ही, वैसे दे देगा डब्ल्यू, टेंशन वाली, ठीक है ना। अगर ना दे तो P0 Q0। फॉर्मूला समझ में आ गया सारा बच्चे। देखो ये पूरी बुक खत्म होती है, ये पूरी बुक खत्म होती है, सबसे बेस्ट चीज़ है, हमने पूरी स्टैट खत्म कर ली, ठीक है ना। सब पूरी की पूरी स्टैट आई थिंक पूरे यूट्यूब पे मिल जाए, अच्छी बात है, वैसे नहीं मिलेगी जहाँ तक है। हमने पूरी स्टैट खत्म किया, एक एक कॉन्सेप्ट किया फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, ठीक है। ये जो पूरी मेहनत करी हमने पूरी एक बुक पे, आज ये खत्म होती है, ठीक है ना। और आप सभी का भी धन्यवाद जो कमेंट करते थे, क्योंकि कमेंट को देख करके ना थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आती है कि हमें ना करनी है वीडियो बनानी है, ठीक है ना, वीडियो के लिए टाइम निकालना है। तो थैंक यू आप सबको मैं बोलता हूँ, ठीक है। और आज हमारी स्टार्ट यहाँ पे खत्म होती है, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा रूट से रिलेटेड, मैंने आपको बोला है तो मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। चलो तो फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर माइक्रो का मन करेगा वेस्टर्ड सा तो उसको बनाएंगे, क्योंकि वही रह रहा, बाकी तो हमारा सारा कंप्लीट है, समस्या वमस्या सब कंप्लीट हमारा है ना। तो टाइम लगेगा तो मैं वो बनाऊँगा, वरना फिर बीकॉम के बच्चों के लिए कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है ना। चलो धन्यवाद दोस्तों, चलो।